202 रील ट्रेंड पे चल रहा है, जिसने भी बनाया मिलियन पे व्यूज, ये है फर्स्ट रील। जिसमें बहुत सारे फोटो होता है, बहुत ही बढ़िया है, जो आप देख सकते हो। और ये है सेकंड रील, फोटो होता है इसमें कुछ ऐसा लाइट इफेक्ट होता है। तो कैसे आप ये दो रील बना सकते हो, कैसे बनाते हैं आज इस पर बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप करे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे रूप नॉल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में ये छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए रील्स एडिटिंग, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों फर्स्ट रील दो ऐप डाउनलोड करना है, पहला ऐप है कैपकॉट, दूसरा कोई भी वीपीएन ऐप यूज़ कर सकते हो। कैपकॉट ऐप ओपन करने से पहले वीपीएन कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद ये कैपकॉट ऐप डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए और यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करना है। वेबसाइट है www.technicalsatyajit.in। यहाँ पर मैंने वेबसाइट लिखा है, यहाँ से वेबसाइट नोट करके technicalsatyajit.in ये वेबसाइट सर्च करके ओपन कर लीजिए। और फिर ये सर्च आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए टेक्सचर TEXTURE और यहाँ पर ये सर्च के ऊपर क्लिक करके इसे सर्च करना। जैसे आप इसे सर्च करोगे नीचे देखिए आर्टिकल है फॉर इंस्टाग्राम टेक्सचर एडिट लेटेस्ट इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग, रेड मोर के ऊपर क्लिक करके ये आर्टिकल ओपन करना है। फिर नीचे आइए और ये देखिए कैपकॉट, यहाँ से ये आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे देखिए स्मार्ट वीपीएन, इसे भी डाउनलोड कीजिए। नीचे आइए म्यूज़िक, जो रियल वीडियो में यूज़ होगा यहाँ से आपको म्यूज़िक भी डाउनलोड करना है। सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट करना है। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। अगर आप बिना वीपीएन कनेक्ट किए टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे ये टेम्पलेट ओपन नहीं होगा। सो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टेम्पलेट के नीचे देखिए ऑप्शन है डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये टेम्पलेट ओपन होगा। टेम्पलेट आ चुका है, फिर नीचे देखिए ऑप्शन है यूज़ टेम्पलेट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा आप इसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है यूज़ टेम्पलेट, फिर सिलेक्ट कर लीजिए। और इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 29 फोटो या फिर वीडियो आपको एड करने होंगे। सो यहाँ से मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, गैलरी से फटाफट से मैं फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको 29 फ़ोटो या फिर वीडियो ऐड करने होंगे, जो भी आपको सही लगे यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ, ये सारे फ़ोटो मैं गैलरी से सेलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर यह फ़ोटो ऐड करने के बाद नीचे ऑप्शन है प्रीव्यू, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये लोडिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फ़ोटो ऐड हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो फोटो में यहाँ पर देखिए 2022 गुड बाय लिखा है। तो नीचे देखिए ऑप्शन है टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये फ़ोटो के ऊपर दो बार इस तरीके से क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए 2022 इसे कट कीजिए और जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पर लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर इसे लिखूँगा, फिर इसे कीजिए डन और ये देखिए ऐड हो चुका है। ऊपर देखिए गुड बाय लिखा है, फिर आपको ये सेकंड फोटो के ऊपर दो बार इस तरीके से क्लिक करना है, गुड बाय यहाँ से कट कीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हो फिर यहाँ पर लिख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर एक स्टिकर ऐड करूँगा, इस तरीके से आप स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। फिर इसे कीजिए डन और ये देखिए यहाँ पर स्टिकर भी ऐड हो चुका है। ऊपर देखिए वाटर मार्क है, कैसे वाटर मार्क को हटाना ये भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखिए। फिर ऊपर ऑप्शन है एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे ऑप्शन है एक्सपोर्ट विदाउट वाटर मार्क, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट होगा, डायरेक्ट आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पर वेट करना है, बैक नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये एक्सपोर्ट आ रहा है, डायरेक्ट आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट कम्प्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर नीचे देखिए शेयर टू टिकटॉक, लेकिन इंडिया में टिकटॉक बैन है, सो ये टिकटॉक में तो शेयर ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना है, इसे क्लोज कर देना है, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। लेकिन आपको वीपीएन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है, वीपीएन डिस्कनेक्ट नहीं करना है। अभी फिर से आपको कैपकॉट ऐप ओपन करना है। कैपकॉट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो वीडियो आपने अभी बनाया है वही वीडियो का आपको सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है ऐड, ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए और ये वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और वीडियो में सबसे पहले आपको ऑडियो ऐड करना है। बहुत सारे कहते हैं यहाँ पर ऑडियो सबसे पहले ऐड नहीं करना है, वीडियो के लास्ट में ऑडियो ऐड करना है। कोई कुछ भी कहे, मैं आपसे कहता हूँ वीडियो में सबसे पहले आपको ऑडियो ही ऐड करना है। तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है म्यूट, तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से कीजिए इसे म्यूट, वीडियो में जो पहले से साउंड है
फिर आपको यहाँ पर एक बार इस तरीके से क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन है ऑडियो, ऑडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर साउंड सिलेक्ट करना है। साउंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर, जैसे आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्म डिवाइस, फॉर्म डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से म्यूजिक सिलेक्ट कर लीजिए। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर वीडियो के एक बार क्लिक कीजिए और ये म्यूजिक ऐड हो जाएगा। म्यूजिक लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया और आपको बताया था उसी वेबसाइट से आपको म्यूजिक भी डाउनलोड करना है। ये ट्रेंडिंग म्यूजिक है, प्ले करके आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर देखिए तो ये म्यूजिक है, ठीक है। यहाँ से आपको ये म्यूजिक ऐड करना है। ये म्यूजिक ऐड करने के बाद आपको यहाँ से पूरा एंड में आना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये बन चुका है। फिर ऊपर एक ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ये फिर से एक्सपोर्ट होगा और ये डायरेक्ट आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे कर दीजिए डन। मैं आपको गैलरी में दिखाता हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए यहाँ पर वीडियो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक वीडियो बन चुका है जिसमें बहुत सारे फोटोज हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सेट हो चुका है। तो ये था फर्स्ट रील। 200 सेकेंड रील। VPN डिस्कनेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट रहने दीजिए। कैपकॉड ऐप ओपन कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, गैलरी से जो भी फोटो सिलेक्ट करना हो गैलरी से फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए, फोटो ऐड हो चुका है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से बैकग्राउंड ऑडियो म्यूट कर दीजिए। फिर यहाँ पर एंड में आइए और फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से फोटो लेंथ यहाँ से इस तरीके से आपको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर यहाँ पर इसे बैक कीजिए और यहाँ से बैक करने के बाद नीचे ऑप्शन है ऑडियो, ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। साउंड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से फॉर्म डिवाइस सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑडियो ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आपको ऑडियो ऐड करना है और ये ऑडियो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड हो चुका है। प्ले करके भी आपको सुना देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर ऑडियो सुना, डिस्क्रिप्शन में ऑडियो लिंक है और उस वेबसाइट से भी बहुत सारे ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने आपको वेबसाइट बताया। और यहाँ पर ऑडियो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करना है। नीचे देखिए ऑप्शन है इफेक्ट, इफेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन है बॉडी इफेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग में है, सो यहाँ पर स्ट्रोक सिलेक्ट कर लीजिए। स्ट्रोक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ये नंबर 3 ये इफेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ से इफेक्ट सिलेक्ट करोगे ये इफेक्ट देख सकते हो, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये नंबर 3 इफेक्ट नहीं करना है, आपको करना है यहाँ से नंबर 4, ठीक है। यहाँ से आपको नंबर 4 इफेक्ट करना है। नंबर 3 के ऊपर पहले क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर नंबर 4 इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एडजस्ट, एडजस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से इंटेंसिटी इससे पूरा बढ़ा दीजिए इंटेंसिटी। और यहाँ पर साइज थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा कीजिए, रेंज यहाँ पर थोड़ा सा आप इसे भी बढ़ा कीजिए और स्पीड इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ पर इसे थोड़ा बढ़ा दीजिए। और यहाँ पर ये देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। फिर आपको यहाँ से इसे टिक करना है और यहाँ पर ये जो इफेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे वीडियो के एंड तक लाना है। बस आपको इतना करना है। यहाँ पर ये करने के बाद आपको इसे करना है यहाँ पर क्लिक और ये डायरेक्ट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा जैसे यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये देखिए रील बन चुका है। गैलरी में ओपन करके आपको दिखाता हूँ और ये रील देखिए, जैसा कि आपने ये रील देखा तो जल्दी से जाइए और ये दोनों ट्रेंडिंग रील बनाकर इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हो सकता है आपको मिलियन पे व्यूज मिले। अगर होगा मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे ऐप्स लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं देता हूँ फिर आप ब्राउज़र में जाइए, टेक्निकल सत्यजी लिख कर सर्च करना ये वेबसाइट और वहाँ से ये सारे मटेरियल को डाउनलोड करके ये ट्रेंडिंग रील बना सकते हो। रील एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर ये VPN डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ज़रूर से आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।